तो हेलो हेलो, कैसा है मौसम कर आप यहाँ एस डी यूट्यूब चैनल। तो हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस, यहाँ पे जो है बिल्कुल ना एक इवेंट आ चुका है। अभी इवेंट का हम डिटेल रिव्यू करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर ने वेनम के साथ कोलेब्रेशन किए हैं और आज जो है 11 अक्टूबर है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर एक्स वेनम है। उसके बाद में देख सकते हो आपको जो कुछ टोकन कलेक्ट करना है, जहाँ में कार्नेज टोकन, एंड इससे जो है आप एक बंडल ले सकते हो जो कि कतई हार्ड बंडल है। ये बंडल मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम में दिखा देता था। जो बंदा ने इंस्टाग्राम में फॉलो किया था उन्होंने तो कैलेंडर बंडल कैसे मिलेगा सब कुछ देख लिया। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी देखना है ये सब, तो गाइस जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, काफ़ी मिल। तो इसका जो बाल है गाइस, ये भी फिर से कॉफी, गाइस फिर से कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद हमें जो एक बैकपैक मिलेगी, बैकपैक जैसे कि मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि ये फ्री में मिलेगी। उसके बाद हमें एक हेलमेट मिलेगा जो कि गाइस ये भी आप लोगों को दिखाई दिया था मैंने कि फ्री में मिलेगा। उसके बाद इवेंट की कैलेंडर आप देख सकते हो, अभी बताते हैं गाइस कि किस तरीके से आप फटाफट से कम्प्लीट कर सकते हो। तो मिशन गाइस काफ़ी कम दिया गया है, आपको 3 एनी मोड खेलना है, लाइक कास्कुला स्क्वाड खेल सकते हो आप लोग। उसके बाद 5 बंदों को मारना है, 1 घंटे तक खेलना है और 1 गेम अपने दोस्त के साथ खेलना है। तो यहाँ पर डे के आपको 4 टोकन मिलेंगे, एंड इवेंट की टाइमिंग देख सकते हो 16 से 25 तारीख, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 9 दिन हो जाते हैं। और अगर आप 9 × 4 करते हैं तो 36 होता है। आप 36 टोकन यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको बस बंडा लेने के लिए 15 टोकन चाहिए होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वाला इवेंट जो है तुम्हारा चलने वाला है। उसके साथ अभी हम देखेंगे और क्या कुछ है। तो ये देखो, इंडिया का चैंपियनशिप आज स्टार्ट हो चुका है, एंड जो भी बंदे यहाँ पे कंफ्यूज थे कि तुम लोगों को यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कैरेक्टर ट्रायल भी स्टार्ट है। बट यहाँ पे तुम लोग तो सोच रहे थे कि तुम लोग बस वेपन रॉयल का ये वाला वाउचर ले लोगे, लेकिन गाइस मेरे भाई तुम वाउचर भी ले सकते हो और यहाँ पे ये वाला बंडल भी ले सकते हो, अवतार बैनर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो है ये 16 अक्टूबर को ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ पे जब आप ये क्लेम करोगे तो आपको 17 अक्टूबर से अलग टोकन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो तुम अपने वाउचर जो यहाँ से आराम से ले सकते हो, तो मैंने तुम लोग को यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद हम देख सकते हो क्या कुछ है। तो तुम लोगों को सबसे पहली बात है, हम देख सकते हो कि तुम लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल रहा है, एंड ये द पावर ऑफ नो टॉप अप है। अगर नो टॉप अप चलाते रहोगे तो मतलब काफ़ी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे जो है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो टुकटुक की स्किन को तो यहाँ पे हटा दिया है, पता नहीं यार क्यों, इवेंट के सेक्शन से। वो आई थिंक FX बैनर में डाल दिया, पता नहीं। और अगर वो नहीं मिले तो काफ़ी सारे बंदे यार पगला जाएंगे। तो इस इवेंट को लेकर काफ़ी सारे बंदे कन्फ्यूज थे, मुझे को टेलीग्राम में काफ़ी सारा बंदों ने DM भी किया था। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो गाइस इसमें से जो है तुम लोगों को मिलने वाला है एक इमोट, बेसिकली ये वाला इमोट मिलने वाला है, 1 finger push up इमोट। अब ये तो फ्री में मिला था कोबरा के कोलेब्रेशन के वक्त, तो ये इमोट मतलब लेना बेवकूफ़ी रहेगा। उसके बाद तुम लोगों को गन स्किन के अंदर ए वाली एक गन स्किन मिल रही है जो कि मेरे पास पहले से ही परमानेंट है। तो और इसकी एबिलिटी देख सकते हो, मतलब एक एट्रीब्यूट्स डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल एक्यूरेसी, तो काफ़ी अच्छी स्किन है। और उसके बाद देखते हैं और क्या कुछ हमें मिल जाता है उसी इवेंट के अंदर। तो वहाँ पे हमें जो एक और पेट मिलता है, पेट जिसका नाम है बिस्टर। बेसिकली पेट का एबिलिटी ठीक ठाक है, तो मैं तो तुम लोगों को कहूँगा कि तुम लोग पेट ले सकते हो अगर तुम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कस्टम खेलते हो। तो इसकी एबिलिटी कुछ इस तरीके से, आप ग्रेनेड और गुलवाल को दूर तक लगा सकते हो, तो काफ़ी मस्त पेट यहाँ पे होने वाला है बिस्टर। और उसके बाद तुम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे स्क्रीम माई नेम करेक्टर जिसका नाम है स्काइलर, एंड ये कैरेक्टर भी तुम लोग को फ्री में मिलने वाला है। बट पता नहीं यार ये कोलेब्रेशन वाले कैरेक्टर के लोग फ्री में क्यों दे रहे हैं। तो गाइस मैं इनका घपला जो अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, ये लोग जो ऑडियंस को पूरा का पूरा, तो वो सब तो शब्द मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ समझ लो। तो ये गाइस ऑडियंस को यहाँ पे चू बनाने की हरकत हो रही है, जो कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये गोल्ड टोकन तुम लोगों को जो है, तुम लोग सोच रहे हो ना कि तुम्हें 4 मिलेंगे तो तुम लोग उल्लू के पट्टे हो, क्योंकि गाइस ये जो टोकन है ना, इस टोकन तुम्हें एक ही मिलेंगे
और नए बंदे तो सोचेंगे कि चार टोकन मिलेंगे तो सबसे पहले हम ये वाला इमोड ले लेते हैं या फिर ये पैड ले लेते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल ही बेकार है, मतलब ये सोच अपने मुंडी से हटा लो, क्योंकि गाइस तुम लोग को एक ही टोकन मिलने वाला है। तो गाइस इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि स्काइलर एक कोलैबोरेशन कैरेक्टर है। कोलैबोरेशन का मीन होता है गाइस गरीना पैसे देके किसी से उसका कैरेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सीन यहाँ पे ये होने वाला है, अगर स्काइलर लोगों ने फ्री में क्लेम कर लिया तो कोई तो यार खरीदेगा नहीं ना स्टोर से, तो यहाँ पे वही सीन है। तो यहाँ पे जो है जैसे ही कोई भी कोलैबोरेशन वाला कैरेक्टर, लाइक मैं यहाँ पे मान लो क्या बोलता हूँ, चलो कैरेक्टर देखते हैं, ये डिमित्री कोलैबोरेशन है, आलोक कोलैबोरेशन है, जब मैं आलोक को यहाँ पे खरीदूँगा कूपन लगा के जो भी हो कैसे भी करो, तो मैं तो अभी डायमंड नेम पास, तो मैं आलोक को मीन्स खरीद रहा हूँ, तो मुझे जो है क्या चाहिए होगा बताओ, मुझे डायमंड चाहिए होगा, डायमंड में करीना के यहाँ से क्या बोलते हैं गाइस यहाँ से रिचार्ज करूँगा, तो वो भी सही बात है, तो डायमंड्स तो मैं वहाँ से रिचार्ज कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे सीन क्या होता है पता है गाइस, जब भी आप एक कोलैबोरेशन वाला कैरेक्टर खरीदते हो ना, तो आपको जो है इसका मतलब जो 50% है वो गरेना फ्री फायर का जाता है, और बाकी जो 50% है वो जो है यहाँ पे उस कैरेक्टर को जाता है जो रियल लाइफ में कैरेक्टर है, मतलब ये जो अलोक है इसको भी गाइस 50% पैसा मिलेगा। तो गाइस यही सीन है, तो ये लोग तो अब स्काइलर को फ्री में नहीं बेच सकते, तो गाइस यहाँ पे इसीलिए इन्होंने ये ऑडियंस को उल्लू बनाने की बात रखी है कि तुम लोगों को चार टोकन मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है, तुम लोग बेवकूफ़ हो, गाइस यहाँ पे तुम लोग को एक ही टोकन मिलेगा, तुम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, स्काई जो चाहिए वो ले लेना, मतलब एक उल्टा सीधा मत लेना, तो स्काइलर चाहिए तो स्काइलर ले लो, बिस्टन पेड चाहिए तो ये भी ले लो। खैर मैं तो तुम लोग को सलाह दूंगा ये वाला ले लो, ठीक है, ये जो स्किन है ना ये कतई तगड़ी स्किन है M4A1 की। स्काइलर तो यार मतलब चिमकांडी जैसा ही, क्योंकि ये हर वक्त यहाँ पर डिस्काउंट में रहता है 200 डायमंड में, तो खरीद के करोगे ही क्या। तो मैं तो कहूँगा कि तुम लोग पैट खरीद लो या फिर वो क्या वो खरीद सकते हो, तो तुम लोग अपनी मर्जी से खरीदना, बाकी मुझे बताना था, मैंने तुम लोग को डिटेल रिव्यू यहाँ पर कर दिया है कि क्या कुछ है। तो ये जो है सबसे अच्छी बात है, और यहाँ पर देख सकते हो तो एक यहाँ पे स्पिन भी करेंगे, देख सकते हो डेजर्ट ईगल की कुप्पी वाली स्किन है ये, जिसमें सिंगल डैमेज है, तो मेरे को काफ़ी पसंद आया स्किन, तो देख लेते हैं क्या हमें एक स्पिन में वो स्पिन मिलती है, मतलब स्किन मिलती है, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखो 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 क्या ओपी चीज़ मिली है रे, स्पिन करते स्पिन में भी क्या ओपी चीज़ मिली, क्या ही मिली, खैर छाने दो। तो गाइस यही था कुछ रिव्यू, और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अरे भाई वीडियो छोड़ के मत जा, सबसे पहले मैं तुम्हें बाइक की स्क्रीन दिखा दूँ, तो ये बाइक की स्क्रीन कुछ इस तरीके से होने वाली है बैनम मोटर में, क्या नहीं बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं लूट बॉक्स भी दिखा देता हूँ जो कि तुम्हें कन्फर्म मिले। तो गाइस यही थे कुछ लीक्स एंड अपडेट, अगर आपको पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल वाला नोटिफिकेशन वाला आइकॉन है उसको दबा के यहाँ पर ऑन करके और फिर सर उसे सेट करके रखो, बिकॉज मैं आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग से वीडियो बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।